अपने घर? मैंने विवश भाव से उस रूखे राक्षस से पूछा। ए भाई, तुम कौन हो? कहां है तुम्हारा घर और इसको आप वहां क्यों ले जा रहे हो? मैं जल्लाद हूं बाबू। लड़के को पीठ पर लादते हुए खूनी आंखों से मेरी ओर देखकर लड़खड़ाती आवाज में उसने कहा, मैं कुछ रुपयों का सरकारी गुलाम हूं। मैं सरकार की इच्छा अनुसार लोगों को बेंते लगाता हूं, प्रति प्रहार कुछ पैसे पाता हूं, और प्राण ले लेता हूं तो प्रति प्राण कुछ रुपए। फांसी की सजा पाने वालों से तो नहीं, पर बेंत खाने वालों से सुविधा अनुसार मैं रिश्वत भी खाता हूं। सरकार की तलब से मैंने तो बाबू यही देखा है, बहुत कम सरकारी नौकरों की गुजर हो सकती है, इसी से सभी अपने अपने इलाकों में ऊपरी कमाई के कर फैलाए रहते हैं। मैं गरीब छोटा सा गुलाम हूं। मेरी रिश्वत की चर्चा तो वैसी चमकीली भी नहीं कि किसी के आगे कहने में मुझे कोई भय हो। मैं तो सबसे कहता हूं कि मुझे कोई पूजे तो मैं उसके सगे संबंधियों को सच्चे बेत ना लगाकर हल्के लगाऊं, और अगर नहीं तो सड़ा सड़। उसने ऐसी मुद्रा बना ली मानो वो किसी को बेत लगा रहा हो। वो भूल गया कि उसकी पीठ पर उसकी सड़ा सड़ का एक गरीब शिकार कांप रहा है। हाँ, लेकिन इस अनाथ को धोखे से सच्चे बेत लगाकर मैंने ठीक नहीं किया। इसने जेल ही में बताया था कि मेरा कोई नहीं है, मगर मैंने विश्वास नहीं किया। मैं अपने जिस शिकार का विश्वास नहीं करता उसके प्रति भयानक हो उठता हूं, और मेरा भयानक होना कैसा बीभत्स होता है इसे आप इस लड़के की पीठ पर देखें। मगर इसे काट कर मैंने गलती की है, बार बार मेरा मन यही कह रहा है। इसी वजह से बाबू मैं इसे अपने घर ले जा रहा हूं। वहां इसके घाव पर केले का रस लगाऊंगा और इसको थोड़ा आराम देने के लिए दारू पिलाऊंगा। बिना इसको चंगा किए मेरा मन संतुष्ट ना होगा, यह मैं खूब जानता हूं। भैंसे की तरह अपनी कठोर और रूखी पीठ पर उस अनाथ अपराधी को लाद कर वो एक और बढ़ चला, मगर मैंने उसे बाधा दी। सुनो तो, मुझसे भी एक रुपया लेते जाओ, मुझको भी इस बालक की दुर्दशा पर दया आती है। क्या होगा रुपया बाबू? भयानकता से मुस्कुराकर उसने रुपए की ओर देखा और उसको मेरी उंगलियों से छीन कर अपनी उंगलियों में ले लिया। इसको दारू पिलाना, पीड़ा कम हो जाएगी। अभी एक रुपया ही जेब में था, मैं शाम को इसके लिए कुछ और देना चाहता हूं। तुम्हारा घर है कहां और तुम्हारा नाम क्या है? मैं शहर के पूरब उस कब्रिस्तान के पास के डोमाने में रहता हूं, डोमो का चौधरी हूं। मेरा नाम रामरूप है, किसी से भी पूछ लीजिएगा।